हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिल्वी कुकिंग एंड लाइफस्टाइल। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ड्राई फ्रूट खीर की रेसिपी। यह खाने में जितना ही ज़्यादा टेस्टी होता है उतना ही न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। आप इसे बच्चे, बूढ़े, प्रेग्नेंट लेडी किसी को भी खिला सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है और कमज़ोर जो बच्चे होते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और इसे बनाना भी बहुत आसान है और बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स पड़े होते हैं, तो एकदम ये न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। तो आप देख सकते हैं कितनी ही ज़्यादा टेस्टी दिख रही है और बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी बनी है हमारी जो ड्राई फ्रूट खीर है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है और आप इसे डिज़र्ट के रूप में भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ड्राई फ्रूट खीर बनाने के लिए हमें चाहिए ये सामग्री। तो यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स में लिया है काजू, चिरौंजी और नारियल, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया। आप इसकी जगह कोई और भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है केसर, यहाँ पर लिया है मैंने मखाने, जो बहुत ही थिक टेक्सचर देगा हमारे खीर को। हाफ लीटर मैंने लिया है फुल फैट क्रीम मिल्क दूध। और यहाँ पर मैंने लिया है चीनी, यहाँ पर मैंने हाफ बाउल चीनी लिया है। आप इसे घटा बढ़ा सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। यहाँ पर लिया मैंने इलायची पाउडर और आधा चम्मच के बराबर घी। जब तक इधर मैं ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करूँगी तब तक मैं दूध को उबलने के लिए रख दूंगी। यहाँ पर जो मैंने हाफ लीटर दूध लिया था उसे उबलने के लिए कम आँच पर रख दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से ठीक हो जाए। तो अभी मैं आँच को कम कर दूंगी और एक तरफ अच्छी तरह से दूध को उबलने के लिए रख दूंगी। तो अभी शुरू करते हैं फटाफट बनाना। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए, गैस ऑन कर दिया है। तो सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे, सारे ड्राई फ्रूट को। तो कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है तो इसमें हम डाल देंगे हाफ चम्मच के बराबर घी और इसे मेल्ट होने देंगे। घी अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ काजू और इसे अच्छी तरह से मैं रोस्ट कर लूंगी। बहुत ही अच्छा स्वाद आता है जब रोस्ट करके आप डालते हैं। 2 से 3 मिनट में ये रोस्ट हो जाते हैं। तो देख सकते हैं आप अभी रोस्ट हो गए हैं। तो अभी मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूंगी और अभी उसी कढ़ाई में मैं डाल दूंगी मखाने और इसे भी अच्छी तरह से रोस्ट कर लूंगी। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स डालें ड्राई फ्रूट खीर में, लेकिन मखाने जरूर डालें क्योंकि एक बहुत ही अच्छा टेक्सचर देता है, बहुत ही थिक लगता है। इससे हमारा जो ड्राई फ्रूट्स का खीर होता है एकदम स्वाद बदल जाता है। तो आप इसे जरूर डालें। 3 से 4 मिनट में ये भी अच्छी तरह से रोस्ट हो गया। अभी मैं इसे भी बाहर निकाल लूंगी और बाकी ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है नारियल और चिरौंजी। इसे रोस्ट करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आपने आलमंड लिया है तो उसे रोस्ट कर ले। आप देख सकते हैं एक तरफ दूध उबल रहा है तो इसमें मैंने कुछ केसर के थ्रेड डाल दिए। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना भी डालें। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब मैं डाल रही हूँ शुगर, आपको इसको पीस के डालने की जरूरत नहीं है। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे और अच्छी तरह से उबलने देंगे क्योंकि खीर बनाने के लिए दूध का ठीक होना बहुत जरूरी है। एक तरफ दूध अच्छी तरह से उबल रहा है तब तक हम जो मैंने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए हैं उसे हम अच्छी तरह से दरदरा पीस लेंगे। बहुत ही ज्यादा स्मूथ नहीं पीसना है। तो मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को, जो काजू और मखाने थे, उसे मैंने दरदरा पीस लिया। आप देख सकते हैं दरदरा पीसने से बहुत ही अच्छा खीर का टेस्ट आता है। तो अभी हम पीसे हुए ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे दूध में। तो पीसे हुए काजू और मखाना डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे जो मैंने ग्रेट किया हुआ, यहाँ पर नारियल लिया है और चिरौंजी। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे दूध में और इसे हम स्पून से चलाते रहेंगे। और आप देख सकते हैं दूध उबल के कम होना शुरू हो गया और बहुत ही गाढ़ा लग रहा है जो ये टेक्सचर है हमारे खीर का, आप देख सकते हैं। और अभी मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया और ये हमारी ड्राई फ्रूट खीर बन करके तैयार है बिल्कुल। तो अभी मैं इसे एक बाउल में सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे फ्रिज में थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दें क्योंकि ठंडा होने के बाद इसका स्वाद और अच्छा हो जाता है, और अच्छा लगता है ये खाने में।
तो हमारी ये ड्राई फ्रूट खीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने के साथ न्यूट्रिशन से भी भरपूर है। बहुत ही आसान है इसे बनाना। ड्राई फ्रूट खीर को बाउल में निकालने के बाद इसे पिस्ता से मैंने गार्निश कर दिया है। ऊपर से हम कुछ काजू के टुकड़े भी डाल देंगे तो एकदम अच्छी तरह से बन गया है ड्राई फ्रूट्स और मैंने इसे सर्व ही कर लिया है। तो ये जो ड्राई फ्रूट्स खीर है बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही न्यूट्रिशन से भरपूर है और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा ये डिलीशियस भी है। अगर आप प्रेग्नेंट है या फिर छोटा बेबी है आपका और आप वीकनेस महसूस करते हैं तो आप इसे ले सकते हैं। इस तरह से ड्राई फ्रूट्स नहीं खाया जाता है लेकिन आप खीर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिससे आप ड्राई फ्रूट्स खा लेंगे अच्छी तरह से। तो बनाना भी इसे बहुत ही आसान है और आप इसे चाहें तो फ्रिज में बना करके रख ले, ठंडा होने दे और उसके बाद खाएं, तब ये बहुत ही ज़्यादा थिक टेक्सचर भी होगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगेगा ठंडी ठंडी खीर। तो आई होप कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी अच्छी लगी हो और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ भी बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।